to prove x is equal to x naught plus u into t minus t naught plus half into a into t square minus t naught का square. आपको कि ये t naught x naught ये मिलता जुलता expression है. अगर मैं x naught को left की तरफ ले आऊं, x minus x naught जैसे s is equal to u t plus half into a t square, मिलता जुलता expression है. तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने s is equal to u t plus half a t square प्रूव किया. तो आपको यहां से ये पता लग रहा है कि x की दो वैल्यूज हैं x naught और x, t की दो वैल्यूज हैं t naught और t. तो आप इमेजिन करें कि वेलोसिटी u से v हो गई. तो जब टाइम t naught है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है x naught, और जब टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है x. बाकी टॉपिक बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर किया था, v is dx by dt, क्रॉस मल्टीप्लाई v की जगह u plus at, सिर्फ लिमिट्स में फर्क है, बाकी एवरीथिंग इज सेम. अब यहां पर लिमिट क्या लगेगी, x की लिमिट लगेगी x नॉट से x, x नॉट से x. टाइम की क्या लिमिट लगेगी, t नॉट से t, t नॉट से t. a बाहर u बाहर सेम क्वेश्चन है, उसमें 0 से s था, इसमें x नॉट से x है, उसमें 0 से t था, इसमें t नॉट से t है. तो इस क्वेश्चन में 1 dx x है, 1 dt t है, t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 है, लिमिट पुट करेंगे x की जगह x और x नॉट, t की जगह t और t नॉट, इसकी जगह t स्क्वायर बाय 2 माइनस t नॉट स्क्वायर बाय 2. तो x नॉट राइट पे जाएगा, प्रूव हो जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, इसको अपने हाथ से करके देखें, लिमिट चेंज करें और आंसर को प्रूव करें.